हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉलोइंग द लिस्ट। आपको एक लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में से जो है जो परफेक्ट वर्ड है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। पर एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको ये वर्ड्स आएंगे, इसलिए आपने बिना क्लू के ही इसको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो द कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। मतलब प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। एक जैसे प्लांट्स तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, क्रॉप, ठीक है। फर्स्ट आंसर क्या हो गया आपका, क्रॉप। नेक्स्ट सेकेंड में हम देखते हैं द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। क्रॉप को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना होता है सॉइल को, तो पता है हमें क्या करना होता है सॉइल को, प्रिपेयर, ठीक है। सबसे पहले हम सॉइल प्रिपेयर करेंगे, उसमें उसको खेतों की जुताई करेंगे, ठीक है, तभी हम कर सकते हैं ना, ताकि वो जो है अच्छे से एयर और सब क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, वाटर में क्या करने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो डैमेज सीड्स होते हैं वाटर में क्या करने लग जाते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। तो बेटा, अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ इस फुल चैप्टर का, तो आप उसको जरूर समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशियंट सनलाइट। अब अगर क्रॉप को परफेक्ट ग्रो होना है तो उसे क्या क्या चाहिए, सफिशियंट सनलाइट चाहिए एक, और दूसरा क्या चाहिए उसको, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तभी वो क्रॉप क्यों होगी, फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। इसको मिट्टी से ये सारी चीज़ें क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, किसको, क्रॉप से, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मैच इट आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। अब कॉलम ए को कॉलम बी से हमें क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट देखते हैं हम, फर्स्ट है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है बच्चों, ये ऑप्शंस आपके पास हैं। इस ऑप्शंस में आपने अगर लेसन समझा होगा तो आपको पता होगा कौन से होती है। यस, आपको पता है तो आप बताओ राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ये वाला, ठीक है, पैडी एंड मीज। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, ये तो हमारा खरीफ क्रॉप्स हो गया था, तो रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं, वीट एंड ग्राम, ये क्या होते हैं हमारे, रबी क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है आपको केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो उस टाइम डाला जाता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है, तो वो क्या है, आपको पता लग गया, यस, राइट आंसर क्या है इसका, बी, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक मैन्यूअर। ऑर्गेनिक मैन्यूअर मीन्स जो नेचुरली हमें मैन्यूअर हम बनाते हैं, वो कौन सा हो गया, यस, राइट आंसर, एनिमल एक्सक्रीट, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, राइट ए पैराग्राफ इन ऑन वर्ड्स। अपने वर्ड्स में अपने पैराग्राफ को समझाना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल कैसे प्रिपेयर की जाती है, सॉइल प्रिपरेशन इन नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। क्रॉप को ग्रोइंग होने से पहले, हमें ग्रो करने से पहले क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। क्यों करना होता है, कि इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। और साथ में सॉइल को प्रिपेयर करने में ये चीज़ें भी आती है, टिलिंग करना और उनको लूज करना। दिस अलाउ द रूट टू द पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू द ब्रीथ इजीली इवन
व्हेन दे आर डीप। क्या होता है अगर लूज़ हो जाएगी सॉइल तो वो इजीली क्या डीप 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 में जो रूट्स भी जा सकेंगे और उनको वाटर भी अच्छे से मिलेगा और उनको जो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो एयर चाहिए ठीक है वो सब भी क्या होगी इजीली मिल जाएगी। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम सोइंग। सोइंग क्या होता है बीजों को खेत में जब डालते हैं ना तो उसको बोलते हैं सोइंग। ठीक है तो द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन टू द सॉइल। ठीक है सीड को सॉइल में क्या करना पुट करना ठीक है उसे क्या बोलते हैं सोइंग। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनल फॉर सीड इज फनल शेप। जो ट्रेडिशनल टाइम में यूज़ किया जाता था टूल सीड को सो करने के लिए वो कौन से थे वो फनल शेप के थे। आप डायग्राम में देख सकते हो ऊपर ठीक है इस तरीके के शेप में थे। ठीक है और अब के नाउ ए टाइम क्या होता है सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है उसको ट्रैक्टर की मदद से क्या किया जाता है चलाया जाता है। ठीक है तो ये भी आप ऊपर डायग्राम में क्या देख सकते हो। ठीक है तो दिस टूल सो द सीड यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है जो सीड होते हैं वो एक समान जो है खेतों में चले जाते हैं फील्ड में और एक समान डिस्टेंस पे रहते हैं और एक समान क्या होते हैं डेप्थ में रहते हैं। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सी पॉइंट है हमारा वीडिंग। वीडिंग क्या होता है बच्चों जो प्लांट ठीक है हमारी जो क्रॉप्स होती है ना उनके साथ अपने आप उग जाती है हमारी इच्छा नहीं होती मीन्स अनवांटेड प्लांट जिसको कहते हैं ठीक है वो क्या होते हैं वीड। अब इन अनवांटेड प्लांट को जो रिमूव किया जाता है उनसे क्या बोलते हैं वीडिंग। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है थ्रेसिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सी फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड द थ्रेसिंग। जो चाफ होता है ना बेटा जो ऐसे जो प्लांट होता है जब सूख जाता है तो वहाँ पर क्या होते हैं उसमें ऐसे ग्रेन्स लगे होते हैं ना ऐसे यहाँ पर जो ग्रेन्स लगे होते हैं तो उनको अलग करना क्या कहलाता है थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में डेफिनेट 101% आने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैनुअर। फर्टिलाइजर और मैनुअर में क्या डिफरेंस है कैसे डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो फर्स्ट फर्टिलाइजर्स तो आपने अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो आपको ये इजीली समझ आ गया नहीं किया होगा तो आपको नहीं समझ आएगा तो इसके लिए आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना। ठीक है तो देखो वैसे मैं यहाँ पर भी आपको प्रॉपरली कंप्लीट करवाती हूँ। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक क्या होता है जिसमें केमिकल मिले होते हैं जो चीज़ें केमिकल से तैयार होती हैं ह्यूमन बीइंग बनाता है वो क्या होता है इनऑर्गेनिक। और मैनुअर क्या होते हैं मैनुअर इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिज्यूम। तो क्या होता है जो प्लांट का वेस्ट होता है ठीक है प्लांट्स की वेस्ट चीज़ें ह्यूमन की वेस्ट चीज़ें या काउडंग जो होता है इन सबको माइक्रो ऑर्गेनाइज्म जो डिकम्पोजिशन होता है जब बैक्टीरिया इसके ऊपर आ जाते हैं उसको डिकम्पोज कर देते हैं ठीक है उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं मैनुअर। नेक्स्ट फर्टिलाइजर कहाँ प्रिपेयर की जा रही है अब इसमें केमिकल्स मिलाया जा रहा है सब कुछ तो वो कहाँ तैयार हो रही है फैक्ट्री में और मैनुअर में सारी नेचुरल चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वो कहाँ तैयार हो रही है फील्ड में। ये क्या होती है बड़े बड़े फील्ड्स में तैयार होती है। ठीक है थर्ड पॉइंट देखते हैं ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। सॉइल को मतलब अगर न्यूट्रिएंट्स चाहिए पेड़ पौधों को प्लांट्स को क्रॉप्स को तो उसके लिए उनको ह्यूमस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि फर्टिलाइजर से वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और मैनुअर क्या करता है मैनुअर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल बहुत ज़्यादा ह्यूमस जो है सॉइल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर फोर फर्टिलाइजर आर वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स तो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से लाइक नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाशियम। और मैनुअर में क्या होता है इसके अगर कंपेयर करें तो क्या होता है लेस न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट इज इरिगेशन डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ द इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या होता है दो मेथड को आपने डिस्क्राइब करना है ठीक है जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं बचा सकते हैं।
तो सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है हम ये पढ़ लेते हैं। द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग द प्लांट फॉर द असिस्टिंग इन देयर ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। जो आर्टिफिशियल मेथड होता है पानी देने की प्लांट्स में, जो कि उनकी ग्रोथ में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इरिगेशन। मेन सोर्सेस क्या होते हैं इरिगेशन के, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, इन सब चीज़ों से जो है पानी दिया जाता है। अब मेन जो दो मेथड हैं जिनसे हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर को, वो फर्स्ट है स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम एंड सेकंड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चों कि दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ ए अरेंज वर्टिकल पाइप्स। आप देख पा रहे हो डायग्राम में कि वर्टिकल पाइप्स लगी हुई हैं, वहाँ पे रोटेड नोजल्स लगे हुए हैं टॉप पर, और ये क्या करते हैं, इट इज़ मोर यूजफुल इन द अनइवन एंड सैंडी, जो अनइवन और सैंडी लैंड होते हैं, वेयर द सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे सफिशियंट वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये इस तरीके से पानी देने से क्या होता है, प्लांट्स के रूट में जो है पानी प्रॉपरली कम से कम पानी यूज़ करके हम प्लांट्स की रूट तक पहुँचा सकते हैं वाटर को, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब इसको आप डायग्राम में देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, दिस इरिगेशन सिस्टम हैज़ ए अरेंजमेंट ऑफ पाइप ऑफ द ट्यूब विद वेरी स्मॉल होल इन डैम टू द वाटर प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द बेस ऑफ द रूट। क्या किया जाता है, आप डायग्राम में देखो कैसा है अरेंजमेंट है, पाइप नीचे नीचे नीचे, ठीक है, उनमें सब में क्या होता है, होल होता है जहाँ पर प्लांट्स की रूट होती है, और उनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर निकलता है और जो है प्लांट्स की रूट तक पहुँच जाता है। इससे वाटर उनको सफिशियंट रूप से मिल जाता है और वाटर जो वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, इफ वीट इज सोन इन खरीफ द खरीफ क्रॉप्स व्हाट वुड हैपन डिस्कस। अगर वीट को हम खरीफ क्रॉप में सो कर दें, बीज को उगा दें, तो क्या होगा, क्या होगा, वीट क्रॉप इज सो फ्रॉम द नवंबर एंड दिसंबर एंड मार्च टू अप्रैल। नवंबर दिसंबर में इसको जो है बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको कट किया जाता है। तो इट इज़ ग्रोन इन विंटर एंड रिक्वायर लेस वाटर, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। इफ वीट इज सोन इन खरीफ क्रॉप्स, अगर इसको खरीफ क्रॉप्स में सो करेंगे तो इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसाइडरेबल, तो इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको जो सफिशियंट मौसम चाहिए, ठीक है, तो वो उस टाइम जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड। अगर किसी फील्ड में, ठीक है, लगातार कोई एक क्रॉप उगाई जा रही है तो सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपने ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चैप्टर अगर आपने समझा होगा तो आपको पता है कि अगर हम एक ही तरीके की फसल को एक सॉइल में उगाते रहेंगे तो क्या है, मान लो नाइट्रोजन पोटेशियम दो चीज़ है हमारे सॉइल में, ठीक है, और जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो हर बार नाइट्रोजन 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 अगर हम यूज़ करने वाला प्लांट उगाएंगे तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन सारी सॉइल की ख़त्म हो जाएगी, पोटेशियम वैसे का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए क्रॉप को है एक जैसी क्रॉप को नहीं उगाना चाहिए, रोटेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअरर इन द सर्टन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप टेक अप द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बिकम इनफर्टिल इट डज नॉट गेट इनफ टाइम टू द रिप्लेसिंग द न्यूट्रिशंस। ठीक है, तो क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कंटिन्यू अगर प्लांटिंग हम कर रहे हैं तो जस्ट अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि उसके न्यूट्रिएंट्स क्या होते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, वो तो सॉइल पोरर हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है ख़त्म हो जाते हैं और वो इनफर्टिल हो जाती है। इनफर्टिल मीन्स उपजाऊ, मीन्स जो उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी प्लांटिंग की वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और ये कुछ समय के बाद इसके न्यूट्रिएंट्स जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द वीड्स हाउ कैन वी कंट्रोल देम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं वीड्स क्या होता है, जो पेड़ पौधों के साथ
अपने आप उपजाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, जो हमारी इच्छा के बगैर, ठीक है, पेड़ पौधों के साथ नेचर में अपने आप उपजाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द अडॉप्टिंग मैनी वे, तो हम इसको बहुत सारे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये है कि टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप, अगर क्रॉप को जो हम सो करते हैं, मीन्स बीजों को बोते हैं, उस टाइम क्या कर देते हैं, टिलिंग कर देते हैं, खेतों पे वो चला देते हैं, मिट्टी उलट पुलट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वीड्स क्या हो जाते हैं, उनकी हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड, तो उसके अपरूट और वो वीड्स क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल, और सूख कर मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, और वीड्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिकल्स भी होते हैं, उन्हें वीडिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। वीडिसाइड्स जो होते हैं, आपने देखा होगा पीछे एक मैन होता है, वो पीछे अपने बैग लगाए रहता है, ठीक है, मीन्स एक टैंक सा होता है और आगे स्प्रे करता हुआ, ठीक है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो। तो स्प्रे करता है और उसके बाद क्या होता है, जितने वीड्स होते हैं फील्ड में वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज करना है आपको जो ये बॉक्स दिए हुए हैं इनको फ्लो चार्ट के रूप में। आपको शुगर कैन की क्रॉप दी हुई है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो आपके उसको प्रोडक्शन करना है तो आप पहले कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करोगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इन ऑप्शंस में से आप इसको क्या करोगे, रीअरेंज करोगे। तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हमने ये लिख लिया। अब सॉइल प्रिपेयर हो गई तो क्या करेंगे, प्लोइंग, उस पर हल चलाते हैं, ठीक है, खेतों को जोतते हैं। तो फिर 6 नंबर आ गया यहाँ पे आप, ये उसके बाद अब हल चला दिया, खेतों को जोत दिया, मिट्टी पोली हो गई, तो अब उसमें क्या डालेंगे हम, सोइंग मीन्स बीज बोएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब बीजों को बो दिया तो उनमें क्या चाहिए, खाद चाहिए, और क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, तो क्या करेंगे, मैन्यूरिंग मीन्स उसके अंदर खाद डालेंगे, और इरिगेशन, उनकी सिंचाई करेंगे, पानी देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब सब कुछ कर लिया तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब उसकी क्या करनी है, हार्वेस्टिंग, काटना है उसको, ठीक है। अब जब उसको काट लिया है तो कहाँ भेजना है उसको, क्रॉप को, शुगर फैक्ट्री में, ताकि वहाँ पर उससे क्या बन जाए, शुगर बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में।